हेलो, वेलकम टू होम्योपैथिक मेडिसिन वर्ल्ड। मैं विराज गोयल, होम्योपैथिक स्टूडेंट। तो मैंने अपने चैनल में कई वीडियो बनाए, जैसे कि दवाइयों को समझने की, होम्योपैथिक कैस कैसे होते हैं वो, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन समझी कैसे जाती है। आज मैं कैमरे के सामने फिर से आया हूँ एक आपकी समस्या का समाधान करने। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ होम्योपैथिक केस टेकिंग के फर्स्ट रूल के बारे में, कि होम्योपैथिक केस पेपर कैसा होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो होम्योपैथिक दोस्त मतलब तो जो भी होम्योपैथिक जानते हो उनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी केस कैसे लेने आए थे, केस पेपर कैसे होता है वो भी समझ पाए। तो शुरू करते हैं होम्योपैथिक केस पेपर। होम्योपैथिक स्टूडेंट होंगे वो तो जानते होंगे कि होम्योपैथिक केस पेपर, एलोपैथिक केस पेपर और आयुर्वेदिक केस पेपर से कहीं कहीं ज़्यादा बातों से डिफरेंट होता है, अलग पड़ता है। तो होम्योपैथिक केस पेपर में पहले तो सभी केस पेपर में क्लिनिक या हॉस्पिटल का नाम नेम आता है, फिर आता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन के। तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट के नेम, पेशेंट के एज, सेक्स, तो पेशेंट के नेम ऊपर से ये पता लग ही जाएगा, फिर भी सेक्स अथवा जेंडर। स्पेशल आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में हमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए होगा, जिससे हम उसको, अगर वो कोरोना का भी समय चल रहा है तो वो अभी आ नहीं सकते कहीं भी अपना फॉलोअप देने, तो उसके व्हाट्सएप नंबर या नॉर्मल मोबाइल नंबर, SMS के द्वारा भी उनकी फॉलोअप ले सकते हैं। इसलिए उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, ये सब जरूरी है। और अगर वो क्रोनिक केस आपको लगता है तो लास्ट तो आप ऑक्यूपेशन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इंफॉर्मेशन भी ऑक्यूपेशन ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है RX, मीन्स केस पेपर का मेन पार्ट, जहाँ पे हम केस लेंगे। अब इस पार्ट में हम क्या लेंगे, तो इसमें पहले तो पेशेंट जो कहेगा वो लिखेगा, पेशेंट को जो कंप्लेन है वो। फिर पेशेंट कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन हेड टू टो की, हमें जो सेंटर मिलते हैं। फिर प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन में पहले मेडिसिन, जो मेन मेडिसिन हम फर्स्ट डोज देते हो, अगर आपको उसकी कॉम्प्लीमेंट्री देने की हो, अगर उसके साथ कोई भी कंबाइनेशन की देनी हो तो वो। फिर मेडिसिन नेम, पोटेंसी, फिर उसका रिपीटेशन दिन में, और फिर लास्ट में कितने दिनों तक देनी है वो, ये लिखना है। फिर नीचे सब लोअर पोर्शन पे देने का, वहाँ पे हमारा वो, हम लोग जनरल में होम्योपैथिक स्टूडेंट हो गए, वो जनरल में लिखते होंगे फिजिकल हिस्ट्री। तो वहाँ पे आएंगे फिजिकल हिस्ट्री, जैसे कि एपेटाइट, स्टूल, थर्स्ट, डिजायर, एवर्जन, ये सब लेंगे नीचे। परस्पिरेशन, थर्मोस्टेट, ये सब हम नीचे ले सकते हैं, या फिर फिजिकल पेशेंट इंफॉर्मेशन के नीचे के क्वेश्चन में भी हम ये ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग और फिजिशियन मेनली वो नीचे लेते हैं, पेज के एंड, केस के एंड, ये सब। और फिर पीछे की तरफ हम फॉलोअप ले सकते हैं। फॉलोअप में पहले डेट, डेट के बाद उसका फॉलोअप, उसको कैसा लग रहा है मेडिसिन लेके, अच्छा बुरा, क्या कोई एग्रेशन है, ये सब। फिर आएगा उसकी जो अभी नई कंप्लेंट कोई भी बड़ी हो, और या फिर पहले कंप्लेंट में कितना बेटर है वो, ये सब। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, जो भी हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कैंसर ने और हमें पायनियर्स ने दिया, उनको आधार रखते हुए हम नेक्स्ट मेडिसिन देंगे। वो भी वहाँ भी ऐसे ही लिखना है जैसे पहले बताया, पहले मेडिसिन, पोटेंसी, फिर कितने
बाहर लेनी और फिर कितने दिन तक वो नीचे आएगा उस। अगर पेशेंट फर्स्ट प्रेशन और सेकंड प्रेशन, अगर पेशेंट डिटेक्ट तो हम उनको वैसे भी मेडिसिन के बाद क्या प्रिकॉशंस रखने, मेडिसिन कब लेनी है, यह सब हम उनको समझा सकते हैं और वो उसको समझ। अगर इलिटरेट रूअर है तो हमें उसको जो हम दवाई देंगे उसमें उसमें स्टिकर लगाते हैं, उसमें लिखने करेगा कि कब लेनी है, वो सब उसमें भी लिखना पड़ेगा। और हमारे प्रिस्क्रिप्शन में भी लोकल लैंग्वेज में जो ऐसा पेशेंट के समझ आ गया उस लैंग्वेज में हमें वो प्रिकॉशंस लिख के देने उसको और समझाना है प्रॉपर तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ रखनी है, कैसे लेनी है। यस, तो यह हुआ होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट। इतना प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट आपको बनाना चाहिए बिगिनियर हो या इंटर्नशिप वाले हो, सबको यही होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करना होता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि केस कैसे लें, फर्स्टली एक्यूट केस हम कैसे लें वो सीखेंगे अगले केस में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।